দেখছেন চ্যানেল 24/7 টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী বৃহস্পতিবার দলের প্রবাস কর্মসূচিতে যোগ দিতে পূর্ব মেদিনীপুর এসেছেন। তিনি সকাল 9:30 নাগাদ প্রথমে পূর্ব পাশকুড়া বিধানসভার বড় দরবার এসে গিয়েছিলেন। সেখানে বিধানসভা এলাকার নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পরে তমলুক জেলা শহর বিজেপির জেলা কার্যালয়ে তমলুক বিধানসভা কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বিকেলে বর্গভীমা মন্দিরে পুজো দিয়ে সন্ধ্যায় যাবেন মহিষাদল। রাত 9:00 নাগাদ হলদিয়ার একটি অতিথিশালায় তমলুক সাংগঠনিক জেলা দলের সমস্ত বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক সেরে অর্থ প্রতিমন্ত্রী হলদিয়াতে রাত্রি যাপন করবেন। ये तो बंगाल का पुरानी पद्धति रही है और निश्चित तौर से बंगाल में इसी के आधार पर लोग सरकारें चला रहे हैं। इसका संज्ञान भारत सरकार जरूर से लेगी। सर और एक क्वेश्चन थी, यहाँ पर जो बंगाल में जो समवाय समिति है उसका एकाधिक चुनाव में बीजेपी का जो सीट है वो नीचे गिर रहा है, क्या बोलेंगे इसको लेकर? समिति को समझा नहीं। समवाय जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव अब स्थानीय चुनाव है, तमाम कार्यकर्ता लगे थे, बहुत सारी सीटों पर हम लोगों ने जीत हासिल किया है, कुछ चीज़ें हैं उस पर विचार होगा। क्या जी सर, आज के जो मीटिंग है आपका पंचायत चुनाव को लेकर, तो क्या क्या होने वाला है इधर स्टेट लेवल के साथ, आप क्या? ये चुनाव संबंधित मीटिंग नहीं है, ये एक मंत्री होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं से मिलने में आया हूँ। जो यहाँ समस्याएं उसको समझ करके भारत सरकार को सूचित करना होगा। पूर्व मेदिनीपुर থেকে সৌমজি চট্টোপাধ্যায়, रिपोर्ट चैनल 24/7। আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7 টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য।